किसी की बिकनी तो किसी की किस सेलेब्स को लेकर जमकर हुई कॉन्ट्रोवर्सीज। नए साल के आगमन में बस कुछ दिन का वक्त बाकी रह गया है, इसके बाद साल 2024 का आगाज हो जाएगा। लेकिन जाते जाते हम इस साल उन बॉलीवुड सेलेब्स के नाम पर चर्चा करेंगे जो 2023 में विवादों को लेकर चर्चा में रहे। इस मामले में दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट तक कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं। रणवीर कपूर के किरदार पर उठा सवाल। हाल ही में सुपरस्टार रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर का किरदार काफी हिंसक दिखाया गया है, जिसको लेकर काफी बहस हुई। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने इस मामले को लेकर संसद में आवाज उठाई। उन्होंने एनिमल फिल्म और रणवीर कपूर के रोल को समाज के लिए बीमारी करार दिया। वहीं रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो साउथ सिनेमा की अदाकारा रश्मिका मंदाना का नाम इस साल कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले रश्मिका एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। एक्ट्रेस का एक विवादित वीडियो बनाया गया था। डायरेक्टर ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी 2023 में काफी विवाद हुआ। फिल्म के अलावा ओम राउत और कृति सेनन को लेकर एक मसले पर जमकर कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। दरअसल आदि पुरुष की रिलीज से पहले कृति और ओम एक साथ एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान ओम ने एक्ट्रेस को हेलो किस किया, जिस पर जमकर बवाल मचा और मंदिर परिसर में निर्देशक की इस हरकत को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। इतना ही नहीं, रामायण के नाम पर आदि पुरुष जैसी फ्लॉप फिल्म बनाने पर ओम राउत काफी विवाद में रहे। बी टाउन कपल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का नाम इस साल काफी विवादों में रहा। आलिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लिपस्टिक कंपनी के प्रमोशन के लिए लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आलिया ने इस बात की जानकारी दी कि वह रियल लाइफ में ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाती, क्योंकि उनके पति रणवीर कपूर को पसंद नहीं है, ऐसे में वह लिपस्टिक लगाकर पोच देती हैं। आलिया भट्ट के इस बयान के बाद रणवीर कपूर और आलिया के रिश्ते की काफी आलोचना हुई। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन की OTT फिल्म टीकू वेट शेरू इस साल रिलीज हुई है। इस मूवी के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्मी दुनिया में एक कदम रखा है। लिप लॉक सीन को लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल 50 साल के नवाजुद्दीन और 21 साल की अवनीत के किस सीन को जमकर कंट्रोवर्सीज मिली, जिसकी वजह से एक्टर को काफी खरी खोटी भी सुननी पड़ी। इस साल की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई थी। जनवरी 2023 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज हुई। इस फिल्म के गाने में दीपिका पादुकोण को ऑरेंज रंग की बिकनी पहने दिखाया गया, जिसको लेकर कई राजनेताओं ने इसे भगवा रंग का हवाला देकर जमकर बवाल मचाया, जिसको लेकर दीपिका पादुकोण का नाम काफी उछला। भगवा बिकनी को लेकर पठान फिल्म और दीपिका भी खूब चर्चे में रही। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का फिल्म की सफलता पर कोई असर नहीं पड़ा। इस साल कई बॉलीवुड सेलेब्स को लेकर विवादों का बाजार काफी गर्म बना रहा।